जिंदिए चल जिंदिए चल जिंदिए, पता नहीं कहाँ चल जिंदिए। मैं दिख रही हूँ ना? हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे बाल नहीं सूख रहे यार, अजीब से बेबी से दिख रहा है। हेयर कट के टाइम कितना अच्छा लगता है, और एक हफ्ते बाद तो ऐसी नफरत हो जाती है ना अपने बालों से। बाय गॉड, मतलब हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। टुडेज वीडियो इज फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर हु आर सुप्रीमली ऑयली स्किन जस्ट लाइक मी। तेल की खान होती है हमारी स्किन समर्स में, तो हमें स्पेसिफिक कुछ ऐसे ब्यूटी स्किन के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं जो ऐसी ऑयली स्किन के साथ डील कर सकें। अदरवाइज तो सब कुछ बह जाएगा यार, पूरा मेकअप निकल जाएगा, स्किन केयर वर्क नहीं करेगा, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने आज की वीडियो में ना कुछ भी फैंसी आइटम डाला ही नहीं लिस्ट में। दीज आर लाइक माई पर्सनल एसेंशियल जो मुझे समर्स में चाहिए ही होते हैं स्किन केयर एंड मेकअप कैटेगरी। So, अगर आपकी मेरे जैसी स्किन टाइप है विच इज ऑयली एंड एक्ने प्रोन, मेरी एक्ने प्रोन स्किन भी है, तो कहीं ना कहीं आप इन प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑयली स्किन मस्ट हैव नंबर वन इज अ गुड मॉइस्चराइजर। मैंने लास्ट वन एंड अ हाफ ईयर में यही सीखा है कि कितनी भी पीक समर्स आ जाए आपको मॉइस्चराइजर नहीं स्किप करना। ट्रस्ट मी, एक या दो साल पहले जब मेरी और ज्यादा एक्ने स्किन होती थी, मेरे हॉर्मोनल एक्ने पीक पर होते थे, मैं मॉइस्चराइजर ही लगाती थी। मैं सोचती थी सीरम के बाद डायरेक्ट प्राइमर मेकअप कर लूँगी, बिकॉज मॉइस्चराइजर लगाऊंगी स्किन हैवी फील होगी। बट ऐसा नहीं है, वो ड्राइनेस की वजह से भी मेरा मेकअप इतना क्रैक होता था और इतना अजीब लगता था ना। अब समर्स में भी मैं अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखती हूँ। सो मेरा करंट फेवरेट ये वाला चल रहा है, दिस इज द एक्सेला मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। ये डॉक्टर रिकमेंडेड सॉर्ट ऑफ एक मॉइस्चराइजर है। ये अपने आपको मैट फील क्लेम करता है, लेकिन ये मैट नहीं है, ये अच्छा एक ड्यूइनेस देता है स्किन को, विच आई लाइक, बिकॉज इसके ऊपर भी मेरी सनस्क्रीन अच्छे से ग्लाइड होती है। दिस इज नॉन कॉमेडोजेनिक। मेक श्योर अगर आपकी ऑयली स्किन है, फिर एक्ने प्रोन स्किन है, स्पेसिफिकली एक्ने, तो हमेशा आप जो भी मॉइस्चराइजर लोगे उस पर क्लेम होना चाहिए कि ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, या आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, आपको एक्ने नहीं देगा। सो दिस वन इज परफेक्ट। इसके अंदर नायसिनमाइड भी है, तो मुझे नायसिनमाइड सीरम अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका नायसिनमाइड क्वांटिटी इज परफेक्ट फॉर माय स्किन टाइप। पोर्स पर भी थोड़ा बहुत ये वर्क कर जाता है, सो दिस इज अमेजिंग। नेक्स्ट ऑयली स्किन मस्ट हैव इज अ गुड सनस्क्रीन। आई नो मैंने आपको प्रॉमिस किया था सनस्क्रीन पे एक वीडियो आने वाली है, प्लीज थोड़ा देर और रुक जाओ। मैंने एक दो सनस्क्रीन और ऑर्डर करी है, बिकॉज मैं प्रॉपर एक इन डेप्थ रिव्यू बनाने वाली हूँ मल्टीपल ब्रांड्स का, तो मेरा उस पर थोड़ा सा वर्क चल रहा है। मैं अभी आपको करंटली अपनी फेवरेट बता देती हूँ। आई एम यूजिंग दिस वन, ये क्योर्स की SPF 50 UVA UVB प्रोटेक्शन मैटिफाइंग सनस्क्रीन, विच इज टिंटेड, दिस फॉर ऑल स्किन टाइप, और ये टिंटेड है। इसका बहुत अच्छा एक ऑरेंज अंडरटोन है जो इंडियन स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। आई डोंट नो इफ माय कैमरा कैन कैप्चर और नॉट, यू कैन सी इसका हल्का सा एक ऑरेंज अंडरटोन आता है, विच इज लाइक परफेक्ट फॉर आर सॉर्ट ऑफ स्किन। ये वाइट कास्ट नहीं देता, और आपको पता है सनस्क्रीन हमें 2 या 3 फिंगर जो भी रूल बोलते हैं अच्छी खासी भर के लगानी चाहिए, तो जब आप वाइट वाली या वैसी वाइट कास्ट वाली सनस्क्रीन लगाते हो ना, वो बहुत वाइट वाइट बना देती है। इसका मुझे टेंटेड कलर अच्छा लगता है, मेरी स्किन इससे वाइट नहीं होती, मैट रहती है, ऑयली नहीं होती, एंड द बेस्ट थिंग इज इसका जो टेंटेड नेचर है ना, उससे थोड़ी बहुत रेडनेस मेरी फेस की बैलेंस हो जाती है जहाँ पर भी मुझे एक्ने की इन्फ्लेमेशन होती है। तो इसके बाद ना खाली मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स होते हैं, एंड दैट्स इट। काफ़ी बार तो मैं अगर इधर उधर जाती हूँ मैं फाउंडेशन नहीं यूज़ करती। समर का रूल यही होना चाहिए, लेस इज मोर, ताकि स्किन आपकी थोड़ी सी खाली रहे, उसको एकदम भरा मत करो फाउंडेशन से। सो आई एम लविंग दिस वन। ये ONC ऑक्सीबेंजोन फ्री भी है, जिनको भी हॉर्मोनल PCOS इश्यूज होते हैं। मैंने स्टडी कहीं पढ़ी थी कि आपको ONC इंग्रेडिएंट को अवॉइड करना चाहिए, तो उस सेंस में मुझे काफ़ी सेफ लगती है। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। माई नेक्स्ट समर मस्ट हैव इज अ गुड मैट फाउंडेशन। समर्स में मैं ये दो फाउंडेशन सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बाकी मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन वो थोड़े से ग्रीसी फील होते हैं मेरे ऊपर। सबसे पहले अगर मुझे किसी स्पेशल ओकेजन में जाना होता है, आई फील लाइक मुझे फुल कवरेज चाहिए, एक्ने मार्क्स बिल्कुल ना दिखे, फ्लैश फोटोग्राफी में जाना है, कोई वेडिंग अटेंड करनी है, देन मेबलिन सुपर स्टे इज माई फेवरेट। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में देख लिया होगा। आप थोड़ा सा मेरी वीडियोज में स्क्रॉल करना, नीचे जाना, मैंने अपने ब्रदर की वेडिंग की सीरीज बनाई थी। अभी रिसेंटली फेब मंथ में मैंने लगन मेहंदी का नहीं किया था, लगन रिसेप्शन का मेकअप लुक शूट किया था, तो उसमें मैंने यही फाउंडेशन यूज किया था। अमेजिंग अमेजिंग कवरेज। तो ये तो स्पेशल इवेंट्स के लिए हो गए, लेकिन अगर मुझे इधर उधर जाना होता है, मैं ज्यादा हैवी नहीं यूज करना चाहती, खाली डार्क स्पॉट्स को कवर करना चाहती हूँ, आई यूज दिस वन। ये फिट मी का मैट इन पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन SPF 22। दोनों का जो मेरा शेड है वो है 128 वार्म न्यूड, इसका खाली 128 नाम है, विद क्ले। सो ये जो ट्यूब वाली पैकेजिंग है ना, ये विद क्ले है, और जो कांच वाली आती है आई थिंक वो रेगुलर पैकेजिंग है। आई थिंक इनका यही डिफरेंस है, ज्यादा इतना कोई डिफरेंस नहीं है फॉर्मुलेशन में। आई लाइक दिस वन बिकॉज मैं इसको कैरी भी कर लेती हूँ अपने बैग में, थोड़ी सी कवरेज बढ़ानी होती है, लगता है थोड़ा फेड होना शुरू हो गया, तो मैं इसको रिटच कर लेती हूँ। आई रियली फील ये BBCC क्रीम से बेटर है। काफ़ी लड़कियाँ मेरे से DMs में YouTube के कमेंट से पूछती हैं कि कोई BBCC क्रीम बता दो, ट्रस्ट में वो कवरेज नहीं देती, और ऐसी यूजलेस कवरेज से अच्छा तो एक अच्छा लाइट कवरेज का फाउंडेशन ही ले लो, ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है। सो गो फॉर दिस वन, दीज टू आर बेस्ट फॉर ऑयली स्किन गर्ल्स। मेक श्योर समर्स में आप हमेशा अपना मेकअप सेट करो। सो घर में आप कोई भी लूज पाउडर यूज़
कर सकते हो, कॉम्पैक्ट पाउडर आपकी मर्जी है, पर मुझे ये वाला स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मैं इसको घर में भी यूज कर लेती हूँ, प्लस मैं इसके साथ ट्रैवल भी कर सकती हूँ। काफी बार जब मैं ट्रैवलिंग में कॉम्पैक्ट पाउडर्स यूज करती हूँ ना, वो केक वाला कहीं ना कहीं वाइट वाइट बना देता है, तो मुझे ये वाला लूज पाउडर एकदम परफेक्ट लगता है। आई कैन ट्रैवल विद इट एज वेल बिकॉज ये अपने आप में कंप्लीट एक पैकेज है, आपको अलग से कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये है फेसेस कैनेडा का अल्टाइम प्रो मिनरल लूज पाउडर, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। मैंने आपको काफी वीडियोज में आई थिंक ये फीचर भी किया था। सो वंस यू ओपन इट फ्रॉम हेयर, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट, आपको ये लाइन दिख रही होगी सर्कुलर वाली, यहाँ से आपका लूज पाउडर डिस्पेंस होता है। तो आप थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके इस पर डिस्पेंस कर सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट पुश इट इनटू योर स्किन। मैं थोड़ा सा एक्सेस हटा देती हूँ एंड देन यू कैन जस्ट डू लाइक दिस। तो आप कहीं पर भी हो ना, फटाफट इसे टचअप कर सकते हो, आपका जो भी ऑयलीनेस होती है वो इससे बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। सो ये आप घर पर भी कर सकते हो, जो आप मेकअप यूज करते हो आप इसको कैरी कर सकते हो। एंड कैरी करते टाइम बैग में आपको इसके साथ रखनी है एक और चीज़, विच इज ऑयल कंट्रोल टिश्यूज। अगेन जो मेरी ओजी फैमिली है, काफ़ी बार उन्होंने मेरे व्हाट इज इन माई बैग की वीडियोज में भी शायद देखा होगा, दिस इज ऑलवेज इन माई बैग। इनफैक्ट मैं इसका एक और पैकेट लेने वाली हूँ, मैं एक और बैग में रखूंगी ताकि बार बार ट्रांसफर ना करना पड़े। ये फ्रॉम द ब्रांड मिस क्लियर, इसका क्लेम है इंस्टेंटली रिमूव एक्सेस ऑयल, शाइन, रिड्यूस क्लॉग पोर्स एंड ब्लेमिशेस। तो क्या होता है ना, जब हम बाहर कहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वेडिंग में गए, आप शादी में गए, आपको स्वेटिंग आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, हम वही शादी के वेन्यू पे केटर से वो टिश्यू पर उठाते हैं, उससे सारा पसीना हटाते हैं और उसके साथ हमारा सारा मेकअप भी उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज वो वाला जो टिश्यू पेपर होता है वो सारा आपका मेकअप भी रिमूव कर देता है। वेयर एज जो ये ऑयल कंट्रोल टिश्यूज होते हैं ना, ये काफी सही होते हैं। आई हैव वन राइट ओवर हियर, मैंने अभी निकाला था जस्ट ये। तो ये कुछ इस तरह की, इसमें आपको शीट्स मिलती हैं, इसके अंदर कितनी शीट्स है 50, इसके अंदर टिश्यूज मिलते हैं, एकदम पतली सी कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है। एंड दिस इज हाउ ऑयल कंट्रोल टिश्यू लुक्स लाइक। मैंने हल्का सा भी यूज़ किया है तो आपको यहाँ पे ऑयल दिख रहा होगा। कुछ नहीं करना आपको, ऐसे इसको पकड़ के खाली ऐसे डैप करना है, इसको रगड़ना भी नहीं, अगर इसे रगड़ोगे अगेन आपका मेकअप खराब हो सकता है। तो खाली ऐसे ऐसे करके आप डैप कर सकते हो, ये सारा आपका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड उसके बाद आप जब बाहर होते हो अगेन आप अपने फेस को सेट कर सकते हो एक लूज पाउडर पे, कॉम्पैक्ट पाउडर से। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने मेकअप को रीटच करने का, ताकि वो खराब भी ना हो, एट द सेम टाइम वो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाए। सो दिस इज़ अ मस्ट हैव, अगर आपकी ऑयली स्किन है आप अपने स्कूल कॉलेज कोई भी बैग में कैरी कर सकते हो, दिस इज अमेजिंग। नेक्स्ट जो मस्ट हैव है ना, वो खाली ऑयली स्किन के लिए नहीं है, आई वुड से फॉर ऑल स्किन टाइप, जो अच्छा हैवी मेकअप करना पसंद करती हैं लड़कियां, उनको ये यूज करना ही करना चाहिए, विच इज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे। आई ऑलवेज से बहुत हाई एंड फाउंडेशन, मतलब आप एक ऐसा मेबलिन का सुपर स्टे भी ले लोगे ना काम चल जाएगा, लेकिन एक अच्छे मेकअप सेटिंग स्प्रे में अपना पैसा इन्वेस्ट करो, बिकॉज ये लास्ट स्टेप होता है और इससे एकदम मेकअप आपका लॉक हो जाता है। मैं अपने स्पेशल इवेंट्स में मैक का फिक्स प्लस यूज करती हूँ, हेयर इट इज, मैं इसको ज्यादा नहीं यूज करती, बड़ा महंगा है यार, तो मैं इसको बहुत स्पेशल इवेंट्स में यूज करती हूँ, बट ये मेरा रेगुलर वाला है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। चाहे मैंने थोड़ा मेकअप भी किया हुआ है, मैं तभी भी इसको यूज करती हूँ, बिकॉज अगर आप मास्क लगाते हो, कोविड का टाइम चल रहा है, ऐसे तो बोल दिया मास्क हटाने को, बट क्राउडेड प्लेस में आई थिंक लगा लेना चाहिए, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो काफी बार सारा जो मेकअप है वो मास्क के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, तो ये काफी ज्यादा हेल्प करता है उसको एकदम लॉक करने में। ये मेबलिन का लास्टिंग फिक्स मेकअप सेटिंग स्प्रे मैट फिनिश, ये मैट फिनिश है, काफी सारे आपको ड्यूई फिनिश मिलते हैं मार्केट में, लाइक निक्स का आता है एक ड्यूई फिनिश वाला। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है और यू फील लाइक आपको मेकअप एकदम ड्यूई चाहिए, तो आप वो ले सकते हो, व्हाइट कलर का आता है, ये मैट फिनिश है, तो कहीं ना कहीं आपके फेस को मैट बना देता है। तो अगर आपको एकदम मैट वाला मेकअप नहीं पसंद, मैं क्या करती हूँ, उसको स्प्रे करने के बाद हाईलाइटर लगाती हूँ, बिकॉज अगर मैं इससे पहले हाईलाइटर लगा के इसको स्प्रे कर लूंगी ना, मेरा हाईलाइटर बड़ा डल हो जाता है, वो इतना शाइन नहीं देता। तो मेरी ये ट्रिक है, मैं इसको अपना बेस, ब्लश, कॉन्टोर सब कुछ करने के बाद स्प्रे करके और मैं ब्लेंड से एक्सेस ऐसे डैप कर लेती हूँ, ताकि जितना भी एक्सेस है ब्लेंडर पे भी आ जाए, मेरा मेकअप एकदम ओवर ना लगे, वो एकदम ब्लेंड इन हो जाए। और उसके बाद मैं फटाफट हाइलाइटर लगाती हूँ इसके ऊपर, वो अच्छे से सेट भी हो जाता है, एट द सेम टाइम वो शाइन भी बहुत अच्छी देता है। सो दिस लाइक माय कशिका ज्ञान ऑन मेकअप लुक फॉर एनी स्पेशल ओकेजन। ऑल्सो फॉर ऑल द गर्ल्स जो इतना हैवी मेकअप नहीं करती या फिर करती नहीं है, लाइक नो मेकअप गर्ल्स जो होती हैं, जो खाली सनस्क्रीन लगाया, कॉम्पैक्ट लगाया, दैट्स इट, तो फिर आप मेकअप सेटिंग स्प्रे मत लो, आप कोई भी एक नॉर्मल मिस्ट ले सकते हो जिसके अंदर रोज वाटर होता है, हाइलुरोनिक एसिड काफी मिस्ट में इंग्रेडिएंट होता है, वो भी बहुत अच्छा स्टिकनेस बना के रखता है आपके फेस के ऊपर, उसको इंटैक्ट रखता है, एट द सेम टाइम आपको रिफ्रेशिंग फील होता है। आप कहीं ऑफिस में बैठे हो, आप कॉलेज में, आपको एकदम गर्मी लग रही है, तो आपने फटाफट उसको निकाला, फेस पे स्प्रे कर लिया, दैट्स इट, दैट इज बेटर फॉर नो मेकअप गर्ल्स। बट अगर आपने मेकअप किया तो आपको स्पेसिफिकली एक मेकअप सेटिंग स्प्रे लेना चाहिए। आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंक्लूड अ काजल इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। आई नो काजल का आपके ऑयली स्किन से कोई मतलब नहीं है, बट ट्रस्ट मी, जिन लोगों की प्रॉपर ऑयली स्किन होती है ना, उनकी लिड्स भी काफी ऑयली होती है, या उनके लोअर वाटरलाइन पे भी काफी बार ग्रीसीनेस हो जाती है, उनका काजल बहुत जल्दी स्मज हो जाता है। तो समर्स में मेक श्योर आप एक अच्छी क्वालिटी के काजल में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो बिल्कुल स्मज ना होता हो। करंटली आई एम लविंग दिस वन, ये मेबलिन का स्मोकी आई टैटू स्टूडियो जेल पेंसिल। इन्होंने जेल आईलाइनर, मतलब जो जेल काजल्स होते हैं ना, उसको एक सॉर्ट ऑफ रिट्रैक्टेबल फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे डाल दिया, इजिली रिट्रैक्ट हो
जाता है, शार्पन करने की जरूरत नहीं है। प्लस पीछे आपको एक स्मजर भी मिलता है, तो इससे आप कोई भी अपनी स्मोकी आईलो क्रिएट कर सकते हैं। वी हैव अ स्मजर राइट ओवर हियर। मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, मैं नीचे लिंक कर दूंगी अगर आप देखना चाहते हो कि मैं इसको यूज कैसे करती हूँ। मैंने इसके अंदर दो लुक्स क्रिएट करी थी इससे, अमेजिंग। आई थिंक समर्स का सबसे बेस्ट ये काजल है, बिल्कुल स्मज नहीं होता, लोअर वाटर लाइन से बिल्कुल स्मज नहीं होता। मैं इसको काफी बार जल्दी जल्दी में ऊपर भी लगा लेती हूँ, लाइक अगर आपको कॉलेज लुक करनी है, ऑफिस लुक करनी है, आपको लिक्विड लाइनर नहीं यूज करना, तो आप इसको भी अपनी आई स्ट्रेच करके ऐसे लगा सकते हो, पीछे स्मजर से स्मज करके स्मोकी आईज बना सकते हो। ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता, काफी लॉन्ग लास्टिंग है ये। सो इफ यू हैव अगेन वेरी वेरी ऑयली आईलिड्स ना, तो आप ऐसे वाले लॉन्ग लास्टिंग काजल पेंसिल में इन्वेस्ट कर सकते हो जो जल्दी स्मज ना हो। सो दीज आर माई रिकमेंडेशन फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर जिनकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस आपको एक माई हॉल स्टोर का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, आप इजिली सब कुछ शॉप कर सकते हो अमेजोन से। मैंने जो टॉप पहना हुआ है, जो ये पेंडेंट है, जो मैंने हुप्स पहने हुए हैं, और आज की जो मैंने लिप शेड लगाया हुआ है, उसकी डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो प्लीज आप जाकर देख सकते हो एंड यू कैन शॉप इजिली। इसके अलावा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका कौन सा ऐसा मस्ट हैव है ड्यूरिंग समर्स जिसके बिना आप नहीं रह सकते। सब एक एक अपना मस्ट हैव बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, सो दैट जो कमेंट पड़ता है उसको भी कुछ नया सीखने को मिले। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर भी आपको बहुत सारा कशी का ज्ञान मिलता है ऑन ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल एंड लॉट मोर। सो वहां पर जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।